हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ कौन सी सिंचन। अरे थैंक यू, वी अ मिनी कार सीरीज। अबे कार नहीं, मिनी व्हीकल्स की सीरीज बोलो। तो गाइस यार, आज वाली वीडियो में आपको बहुत ही खतरनाक वाली आप लोगों की सबसे फेवरेट बाइक को हम लोग मिनी बनाने वाले है। अरे हाँ फ्रेंकी भी है यार, वही तो बहुत बढ़िया वाली बनाने वाले है। जी हाँ गाइस यार, आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों को भाई साहब 45 से ज्यादा कार की कलेक्शन हम लोगों ने कर दी है। कार की नहीं भाई, व्हीकल्स की भी है। तो इस वाले वीडियो में गाइस यार हम लोग खतरनाक वाली चीज करने वाले हैं। आपको तो पता है हम लोगों ने क्या क्या मिनी बनाया है। गाइस ये देखो, मिनी केदारनाथ टेम्पल है, यहाँ पे सिद्धू पाजी का हवेली है, और गाइस यहाँ पे अपना गोकुल धाम सोसाइटी भी है, तो देख ही सकते हो आप लोग। एंड ये रहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके पीछे भाई बहुत ही बढ़िया वाला ताजमहल। एंड ये भाई अपना इंडिया गेट है, देख सकते हो भाई कितना खतरनाक है। तो इतने सारे चीज़ें भाई साहब हम लोगों ने मिनी बनाया है आप लोगों के सपोर्ट से। एंड गाइस आगे भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते रहेंगे। आपको तो पता है हमारा मिनी पार्किंग एरिया हमारे छत के ऊपर बनाया है, एंड उस पर एक मिनी पेट्रोल पंप भी है। तो गाइस यार आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना। आज हम लोग KTM बाइक को भाई मनवाने वाले। कौन सी? अरे KTM RC 200। अबे 300 था ना? अरे नहीं 200। अबे यार भाई देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सी बाइक को भाई आज बनाना है ना। गाइज आप लोग बहुत ही ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, ये बाइक वो कार ये ट्रक वो मिनी बनाओ, बहुत सारे आ रहे हैं ना सिंचर। तो आज मैंने क्या दिया है? अरे यार हम लोगों ने दूसरा ब्रांच खोला है, वो भी बता दो। हाँ गाइज यार आपको पता ही है हम लोगों का जो भाई चार्ट स्टोर है कितना ज्यादा चल रहा है, तो उसका एक और ब्रांच हम लोगों ने खोल दिया है। अरे कहाँ पे? अबे जाएंगे वहां पे भी जाएंगे। तब तक भाई आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना है। तो चलो गाइस यार चलते हैं हम लोग। भाई मैंने जो वो बाइक सिमियन के शॉप पे मंगाई है तो आप लोगों को दिखा दूंगा। उसके बाद हम लोगों ने दो दो चार्ट स्टोर के ब्रांच खोल दिया है। जी हाँ गाइस आपको पता है हम लोगों का एक इंडियन स्टोर का भाई साहब देख ही सकते हो। चलो मैं आपको दिखाऊंगा, चॉप को बता देता हूँ। अरे चॉप मैं और सिंचन जा रहे। अरे ठीक है कलवा, तू जा जहाँ पे जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर की और कार की देखभाल करते रहूँगा। अबे ठीक है, तेरे लिए कुछ लाना वाना तो नहीं है ना, मतलब कुछ खा पिएगा तो नहीं? अरे नहीं कलवा, मेरे को कुछ नहीं खाना पीना, बस मेरे लिए चाट चमोसा लेके आ जाना। अबे यार वो तो अब तो कभी भी खा सकता है, मैं तो भाई बोल रहा हूँ तू हमारे चाट स्टोर के बगल में ही खड़ा रहा, जब मन करेगा खा लेना, और वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है तो बंदों को देख भी लेगा। पर भाई यहाँ पे देख ही सकते हो कितना बढ़िया वाला हमारा घर में ये सारा। अबे सिंचन आजा आजा सिंचन। अरे यार आऊँ ना फ्रेंकी भैया। अबे आजा जल्दी आजा। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा क्या खतरनाक वाला पेट्रोल पंप है, और भाई मिनी पार्किंग एरिया यहाँ पे। तो चलो गाइस चलते हैं, सबसे पहले अपना चार्ट स्टोर आप लोगों को दिखाते हैं। चलो सिंचन। अरे आ रहा हूँ ना। अबे तू उधर से किधर से आता है? अरे टट्टी करने चला गया था थोड़ा मोड़ा। अबे यार टट्टी वट्टी बाद में करना, और अभी जो अबे तेरे को किसने गिरा दिया? अरे यार आप तो भाई क्या ही बोलू यार, इतने भाई बेकार जगह पे आपने घर लिया है। अबे घर लिया है, ये अपने दादा परदादे का जमाने का घर है। तो भाई साहब यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कितना बढ़िया घर है, और सिंचन बोल रहा है मैंने यहाँ पे लिया, कितना बढ़िया जगह है। तुरंत से हम लोग भाई साहब हाईवे पे मतलब क्या है मेन रोड पे आ जाते हैं। अरे यार देखो ये वाला घर कितना अच्छा है। ये वाला भाई ये तो टट्टी जैसा है, अपना घर कितना आलीशान है। वेल गाइस यार इसकी बात ही अलग है। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं फटाफट से। एंड गाइस यार वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? अरे यार पहले सिमियन के शॉप पे, ये चार्ट स्टोर पे। चल यार पहले सिमियन के शॉप पे चलते हैं। अरे नहीं चार्ट स्टोर पे। अरे यार चार्ट स्टोर दूर है। अरे उससे क्या? अबे ठीक है चल यार पहले चार्ट स्टोर पे ही चलते हैं, उसके बाद गाइस यार सिमियन के शॉप पे चलेंगे। लेट्स गो गाइस यार, हमारा चार्ट स्टोर कहाँ पे है आपको तो पता ही है। तो चलो गाइस फटाफट से चार्ट स्टोर पे पहुँचते हैं। सबसे पहले कौन से वाले ब्रांच पे? अरे सेकंड वाले पे। अबे सेकंड वाले पे? अरे पहले बताना था, ये था सेकंड वाला तो इधर ही है। अरे कहाँ है? अबे ज्यादा दूर नहीं है। चलो गाइस मैं आप लोगों को सेकंड वाला ब्रांच दिखाता हूँ, ये अभी नया नया मैंने ओपन किया है। फर्स्ट वाला भाई थोड़ा दूर है, बीच के साइड में। ये रहा भाई साहब हमारा सेकंड वाला ब्रांच। यहाँ पे देखो सामने काफी ज्यादा भाई ठेले वेले लगाए हैं, बट यहाँ पे देख रहे हो भाई एक बंदा भी नहीं दिख रहा है। ये देखो भाई यहाँ पे एक ठेला, एक यहाँ पे दो ठेले नजर आ रहे हैं, बट यार यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, देख रहा है सिंचन?
अरे यहाँ फ्रेंकी भी है बहुत ज्यादा। वही तो। चलो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये भाई मैंने पता लगाया था ये सिनेमा हॉल के आगे भाई साहब ठेला लगाने का इंडियन स्ट्रीट फूड का, तो भाई इसके मालिक ने मना कर दिया था। फिर मैंने कन्वेंस वगैरह करके उससे भाई साहब कंसेशन वगैरह लेके, कितने में हुआ था अरे ये, अबे हाँ यार एक दिन का करीब 50,000 रुपये देना पड़ता है यहाँ पे ठेला लगाने का। एंड गाइस यार मेरे वर्कर जो है ना, एक की तनख्वाह कितने रखी है मैंने, अरे एक की 1-1 लाख, अबे हाँ एक के 1-1 लाख रखी है इनकी तनख्वाह, क्योंकि भाई इससे भाई देखो हमारे पास क्या है। अबे मैडम हटो यार, क्या यार ये क्यों क्या कर रहे हैं, इतनी भीड़ लग गई है, लाइन से बोल यार सिंचन। अरे लाइन से ही आ रहे हैं। अबे लाइन से आया करो यार भाई, ये देखो लजीज चाट मेन्यू में देखो क्या है, वेज चाउमीन 40 रुपये, एग चाउमीन 50 रुपये, टिक्की चाट 30 रुपये, टिक्की रगड़ा 30 रुपये, पाव भाजी 40 रुपये, फ्राइड राइस 30 रुपये, ऑमलेट भी 20 रुपये का है। तो यहाँ पे ये सब सारा चीज़ चलता है। तो भाई साहब अभी तक का रिवेन्यू कितना हुआ भाई मेरे को बता। अबे ये लोग आगे क्यों जा रहे, अच्छा वो सिनेमा हॉल में जा रहा है। हाँ भाई रिवेन्यू बता दे आज का। अरे फ्रैंकलिन सर आज का रिवेन्यू करीब अभी तक 15 लाख हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। अबे क्या बात है 15 लाख, चलो भाई साहब बढ़िया रिवेन्यू इन्होंने कलेक्ट कर लिया है, अभी क्या करना है। अरे सेकंड वाले पे चलते हैं ना। अरे हाँ भाई यहाँ पे भीड़ थोड़ा कम है भाई, है ना सिंचन, थोड़ा सा कम है। अरे हाँ फ्रेंकी भी है थोड़ा सा कम है। चल कोई नहीं, अभी अभी नया नया भाई कल शाम में ये ठेला लगाया था, तो अभी जब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है हम लोगों ने सेकेंड ब्रांच यहाँ खोला है, फर्स्ट वाले पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है। चल सिंचन फर्स्ट वाले पे। अरे हाँ चलो चलो जल्दी चलते हैं ना। चलो गाइस सेकंड वाले शॉप पे चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वो बीच के साइड है तो वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि बीच के साइड में बहुत सारा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भाई आराम से जो भी चाट चाउमीन फुचका जो भी खाना होता है। अभी मैंने सोचा इसमें और भी वेराइटी वगैरह बढ़ाने का, जितने भी सारे हम लोगों के पास जितने भी सारे चीजें हैं भाई उसमें और नई नई चीजें ऐड करने का, जिससे और भी ज्यादा प्रॉफिट हो। उस वाले शॉप से काफ़ी बढ़िया वाला इनकम हो जाता है, तो हम लोगों को भाई लैम्बोर्गिनी फरारी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, करोड़ों रुपए में मिलते हैं, बट यार ट्राई करेंगे खरीद लेंगे, है ना। अरे यहाँ धीरे धीरे सब हो जाएगा ना, पहले कार ला चलाना तो सीख लो। अबे मैं कार अच्छे से चलाता हूँ। चलो गाइस मैं आप लोगों को वो वाला शॉप दिखा देता हूँ, फिर आप लोग बताना कौन सा बेटर है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भी है। सेकंड वाले शॉप से गाइस यार प्रॉफिट भी काफी बढ़िया होती है ना सिंचन। अरे हाँ वो तो है। चलो गाइस मैं आप लोगों को सेकंड वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इतना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बट यहाँ पे कोई भी अपना ठेला नहीं लगाता है। मैंने भी भाई यहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि इससे ज्यादा प्रॉफिट हम लोगों को उस वाले साइड में होता है। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ गाइस यार चलो फटाफट से, है ना सिंचन। अरे कहाँ पे है? अबे ज्यादा दूर थोड़ी है, ये रहा भाई हमारा ठेला, ये देखो गाइस फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देता। ओ भाई आज तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है। अरे हाँ बहुत ज्यादा। चलो गाइस देखो कितना ज्यादा भीड़ लगी है इस वाले ठेले पे, ज्यादातर लड़कियों का गाइस यार भीड़ रहता है भाई साहब, कितना भयंकर वाला भीड़ है भाई, देख रहे हो भाई कितना भयंकर है। अरे यहाँ फ्रेंकी भी है। अब यहाँ का भी सेम ही प्राइस है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ का भाई प्राइस थोड़ा बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, जिससे हम लोगों को थोड़ा और भी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे भी 3 वर्कर ही रखे हैं, तो ये लोग भाई आज का प्रॉफिट बताओगे ब्रो? अरे सर आज का प्रॉफिट करीब 20 लाख अभी तक का हुआ है। अबे गाइस यार ये ना भाई रात में ज़्यादा चलता है, क्योंकि रात में बीच पार्टी लोग बहुत ही करते हैं, तो ऐसा ही बहुत सारे लोग रहते हैं, तो भाई देख ही लो बहुत सारे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है एंड बहुत बढ़िया से चल रहा है। चल सिंचन चलते हैं अब भाई। अरे कहाँ पे? अबे कार वार खरीदना है, वो भी तो भाई साहब बहुत बढ़िया वाला काम करना है आज भाई, कार नहीं जो बाइक ली है उसको लेना है सिमियोन के शॉप से। चलो सिंचन अब कुछ करना थोड़ी है, ये शॉप देख ही लिया भाई, यहाँ पे भी वही मेन्यू है और सब कुछ वैसा ही है ना सिंचन। अरे हाँ अब चलो सिमियोन के शॉप पे वो आरसी बाइक लेने। हाँ भाई केटीएम आरसी उसका नाम है, ये मत सोच लेना पहले से ही वो मिनी आरसी होगी और रिमोट कंट्रोल से चलने वाले, उसका नाम ही है केटीएम आरसी 390। अरे नहीं 200। अबे मैं बोल रहा हूँ सिंचन 300 है, तू मेरा बात ही नहीं मान रहा है। कोई बात नहीं यार आज आपको पता चल ही जाएगा सिंचन झूठ बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे आप झूठ बोल रहे हो। अबे नहीं यार पकायती मत कर। तो चलो गाइस यार फटाफट से चलते हैं फटाफट से, एंड भाई आप लोगों को आज दिखाते हैं हम लोगों को भाई साहब कौन सी बाइक हम लोगों ने ली है उसको मिनी बनाने के लिए। गाइस आप लोगों ने देखा ही हमारा दोनों भाई स्टोर कितना बढ़िया चल रहा है ना, दोनों ठेला। अरे हाँ फ्रेंकी भी है एकदम दौड़ रहा है, कितनी ज्यादा कमाई हो रही है। जी हाँ गाइस प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है आपको पता ही है सिंचन। वैसे हम लोगों ने केटीएम आरसी 200 नहीं 390 दिया था। अरे नहीं 200। अबे यार गाइस तेरे को नहीं पता बट मेरे को याद है भाई, तू गलत बोल रहा है,
पहले ये वाली कार को यहाँ पे पार्क कर देते हैं। वैसे गाइस यार यहाँ पे भाई साहब बहुत सारी चीज़ें आते रहती है। ये देखो कितनी भयंकर भयंकर वाली इसके पास कार की कलेक्शन है ना सिंचन। अरे यार बहुत सारी है। अबे हाँ यार, तो चलो गाइस फिलहाल अभी हम लोग जो काम के लिए आए हैं वो करते हैं। चलो गाइस सिमियन का शॉप ये रहा, देखो कितनी सारी बाइक्स आई है। हमारी बाइक लाया है ना? अरे पता नहीं। अबे रुक जा, मैं इससे बात करता हूँ। भाई इसको पैसे भी दे दिए थे। अरे सिमियन यार, तूने मेरी बाइक लेके आ गया क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन, आज सुबह ही तुम्हारी बाइक तो आई है, KTM RC 390। अबे KTM RC 390 मैंने बोला था ना सिंचन, तू ही गलत बोल रहा था कि भाई KTM RC 200 मैंने मंगाया, मैंने 390 ही मंगाया था। भाई पैसे वैसे तो मैंने दे ही दिए, भाई उसकी डिलीवरी करा दे। अरे अरे कोई नहीं, बीच में लग गया, जाके ले लो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अबे बिजी हूँ तू? चलो गाइस यार यहाँ पे देख ही सकते हो भाई। चलो भाई देखते हैं, इतनी सारी बाइक की कलेक्शन है सिंचन, देख तो KTM RC 390 कौन है। अरे यार कौन सी है? अबे ये तो सुजुकी की कुछ अलग ही बाइक है, ये थोड़ी एडवेंचरर टाइप की है। और आगे की बात की जाए तो भाई काफ़ी खतर। अबे ये रही भाई, ये रही गाइस यार KTM, भाई दिखा रहा हूँ आपको भाई, एक मिनट भाई दिखा दो। अरे यही है ना? अरे हाँ फ्रेंकी भी है। ये देखो गाइस KTM RC 300 ही है, देखो 390 और RC यहाँ पे भी लिखा है, RC रेस कॉम्पैक्ट वाली कार है। तो गाइस यार फटाफट से आप लोग लाइक कर देना क्योंकि आज हम लोग इसको मिनी बनाने वाले हैं। तो चलो गाइस यार आपको तो लुक मैंने दिखा दिया, इस साइड से भी लुक काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड भाई क्या ही बात करूँ इस वाले बाइक की, आ जा सिंचन। अरे कैसे बैठू? अबे कहीं पे भी बैठ जा ना भाई, कितनी भयंकर वाली कार है, बैठ जा। अरे बैठ गया। गाइस यार देखो सिंचन आधा आगे आधा पीछे बैठा है, कुछ समझ नहीं आता है। अरे फ्रेंकी भैया बंदे को गिरा दिया। अबे कुछ नहीं होगा, वो खड़ा हो जाएगा। चलो गाइस, ओ भाई क्या लग रही है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया बहुत ज्यादा खतरनाक। गाइस यार इसका थोड़ा सा आज हम लोग स्पीड तेज करते हैं और भाई साहब देखते हैं कि भाई क्या ही हो रहा है। अरे यार फ्रेंकी भैया क्या हो रहा है? अबे यार भाई देखो गाइस क्या स्पीड लेवल है, भाई देख ही रहे हो आप लोग कितनी ज्यादा मस्त चल रही है, भाई ये कितनी खतरनाक है ना। अरे हाँ फ्रेंकी भैया। अब वही तो। तो चलो गाइस यार इसका स्पीड लेवल बहुत ही ज्यादा रॉक वाला है, मतलब यार खतरनाक वाली। और ओ भाई सिंचन, अरे यार आराम से चलाओ, देखो एक्सीडेंट मत करवाओ। अबे नहीं नहीं मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकता, नई वाली बाइक है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो चलो गाइस यार अभी कहाँ जाना है? अरे बेनी के गैराज में ना। आ भाई बेनी के गैराज में जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस, इस वाले बाइक को हम लोगों को मिनी बनाने के लिए देना है और भाई साहब देखना है ये बाइक मिनी बन जाती है KTM RC 390, भाई कैसी लगेगी अगर मिनी बन जाएगी। तो लेट्स गो गाइस यार जल्दी जल्दी चलते हैं, इस वाले बाइक को मिनी बनाते हैं। एंड ये आ गए हम लोग भाई साहब बाइक को मिनी बनाने के लिए यहाँ पे। एंड सिंचन, अरे फ्रेंकी भैया कहाँ पे? अबे यार बेनी के गैराज में। ओके गाइस ये रहा बेनी का गैराज। बेनी भाई ये देखो KTM RC 390, इस बार तुमको बनाना है, बना दोगे ना? अरे फ्रैंकलिन क्या बात कर रहा हो यार, इसको मिनी बनाना है यार, कितनी मस्त वाली बाइक लाओ इस बार, बहुत बढ़िया बनेगी। अबे बढ़िया बनेगी तो भाई काम कर, जल्दी काम लगा दे, बहुत ही खतरनाक वाला इसका लुक होना चाहिए, KTM RC 390 मिनी बन जाएगी जब। अरे क्या बात है फ्रैंकलिन, KTM RC 390 को मिनी बनाना है क्या? अरे बना दूंगा, जो लाना है वो बनाओ, एक बार थोड़ा सा चेक करूँ कैसा चल रहा है। अबे भाई इसका साउंड देखो, ओहो क्या मस्त इसका साउंड है, ओ भाई साहब कितना खतरनाक है, बहुत बढ़िया। चलो फ्रैंकलिन मैं तुमको कुछ देर में इसको बना के तेरे घर पे भिजवाता हूँ या लेके आता हूँ खुद ही। ठीक है फ्रैंकलिन, इस वाले बाइक को बहुत ही बढ़िया तरीके से मिनी बना देना। फिलहाल अभी हम लोग और सिंचन निकलते, आ जा सिंचन। अरे हाँ फ्रैंकी भैया चलो घर जाना है ना। अबे हाँ घर जाना है, हिसाब वगैरह दुकान का देखना है, दो दो बड़े बड़े शॉप मैंने ओपन कर दिए, ठेला लगाया इंडियन स्ट्रीट फूड का, वो भी कितना ज्यादा बढ़िया चल रहा है आपको तो पता ही है गाइस। चलो गाइस यार जल्दी चलती घर चलते। अरे हाँ फ्रेंकी भी चलो चलो हिसाब मैं देख लूंगा। अब तेरे से क्या ही हिसाब होगा, 5 साल का छोटा बच्चा है और तेरे से हिसाब होगा? वही तो भाई देख रहा है। अबे ये कौन सी भाई ट्रक है देख रहा है? अरे कौन सी? अबे ये वाली ट्रक देख एक बार, बढ़िया लग रही है क्या? अरे नहीं यार एकदम नॉर्मल लग रही है। हाँ भाई नॉर्मल लग रही है, कोई बढ़िया भाई ट्रक वर्क मिल जाती तो उसको मिनी बनाते। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? अरे यार हम लोग तो घर पे ना। अबे हाँ यार घर जा रहे हैं, लेट्स गो गाइस यार जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। एंड गाइस यार ये वाली कार आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना।
तो चलो गाइस जल्दी जल्दी पहुंचते हैं घर पे। एंड भाई साहब इस वाले कार की भाई साहब मिनी बना दे क्या? अरे नहीं, ये तो पहले से ही मिनी है, इसको क्या मिनी बनाओगे? अबे हाँ यार सही बात है भाई साहब। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं अपने घर पे ये वाली कार। और आज हम लोग भाई कौन सी बाइक लेके आ रहे हैं आपको पता ही है, और क्या मस्त लगेगी जब मिनी बन जाएगी तो। अरे रुको रुको, अबे क्या हो गया? अरे वो देखो बाइक। अबे कौन सी बाइक है भाई? ओ भाई ये तो बढ़िया वाली बाइक है, देखने में ही काफी बढ़िया लग रही है। तो चलो गाइस यार जल्दी जल्दी चलते हैं घर पे। एंड गाइस यार पहले हिसाब वगैरह देखेंगे, इतने देर में बेनी भी आ जाएगा। लेट्स गो गाइस, फटाफट से पहुंचते हैं घर पे। सिंचन यार ऐसे प्रॉफिट होगा तो एक बार हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में फरारी लाते हैं। अरे नहीं लैम्बोर्गिनी। अबे नहीं फरारी। अरे बुगाटी। अबे नहीं यार लैम्बोर्गिनी। गाइस कौन सी कार लानी चाहिए लैम्बोर्गिनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, उसको लेके आएंगे और उसको मिनी बनाएंगे। तो चलो गाइस यार इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आएगा वो बेनी तो अपनी ये वाली कार लेके भी जाएगा। तो चलो गाइस यार फटाफट से चलते हैं। और भाई ये देखो हमारा मिनी पार्किंग एरिया में बहुत बढ़िया पेट्रोल पंप है। चलो गाइस सबसे पहले आज का भाई काम करना है। सिंचन आ जाना तू। अरे हाँ फ्रेंकी भी है यार, आता हूँ भाई साहब। चलो भाई चौप भी इधर है अपना, सब कुछ बढ़िया है, देख ही सकते हो क्या खतरनाक। तो चलो गाइस यार पहले लैपटॉप में हिसाब कर लेते हैं। एंड गाइस यार और कुछ ज्यादा करना नहीं है, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भी है, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं फटाफट से भाई अपना हिसाब कर लेते हैं, क्योंकि भाई हिसाब करना बहुत जरूरी है। ये रहा अपना लैपटॉप, इसमें फटाफट से हिसाब कर लेता हूँ। A few moments later. चलो गाइस सारा का सारा हिसाब फिलहाल मैंने कर दिया है। और सिंचन किधर है? पता नहीं यार सिंचन किधर है। अरे मैं बस यही पे हूँ। अबे कहाँ पे है, जूस पी लेने दे भाई। हिसाब करते करते दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि भाई साहब इतने सारे हिसाब करने होते हैं। दो दो स्ट्रीट फूड इतना ज्यादा चल रहा है, कभी किसी में 10 लाख का प्रॉफिट, किसी में 20 लाख का प्रॉफिट, क्या ही बोलूँ गाइस यार। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो जल्दी से जल्दी हम लोग लैम्बोर्गिनी वगैरह खरीद पाएंगे। सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया बाहर आओ, बेनी आ गया। अब बेनी आ गया, चलो गाइस यार देखते हैं बेनी भी आ गया। भाई देख रो यहाँ से कितना बढ़िया लुक आ जा रहा है। वो देखो वो केदारनाथ टेम्पल को इस साइड कर देना चाहिए, और यहाँ से देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अभी भी हमारा एरिया खाली है, अभी और भी कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। चलो फिलहाल बेनी आ गया है, सिंचन भी पहले से ही आ गया। अबे बेनी यार पहले बहुत जल्दी आ गया, क्या बात कर रहे हो भाई। बेनी भाई बढ़िया से KTM ऐसी 390 मिनी बनी है ना? अरे हाँ फ्रैंकलिन एकदम चकाचक बना के लाया हूँ, एक बार ओपन करके दे तो देखो। अबे यार कितनी जल्दी लेके आ गया। अरे जल्दी का, एक घंटे लग गए। अबे एक घंटे लग गए, मैं एक घंटे से हिसाब कर रहा था। अरे उससे ज्यादा लगे होंगे। पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है यार तू लेके जा अपनी वो वाली लाल परी, और मैं इसको देखता हूँ ओपन करके। ठीक है फ्रैंकलिन देख लो यार मेरे को क्या जाता है, मैं तो चला अपने घर पे फटाफट से, क्या ही बताऊँ। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं भाई साहब, मैंने बहुत सारे काम कर दिया है। चलो यार आज तो आराम ही करूंगा फटाफट से घर जाके। तो सिंचन इस वाले बॉक्स में है KTM RC 390, वो भी मिनी। भाई पहली बार YouTube पे ये वाली भी बाइक आ रही है, बहुत ही खतरनाक वाली। लेट्स गो गाइस इस वाले बाइक को ओपन करते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं इसमें से कैसी बाइक निकलती है। ओ भाई सिंचन क्या लग रही है। अरे फ्रेंकी भी इतनी छोटी बन गई। अबे छोटी नहीं है, मतलब सब जैसी बनी है वैसी ही है गाइस। देखो KTM RC 390 गाइस देख ही सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। मेरे को गाइस यार बहुत ही ज्यादा मस्त लगी है ना भाई, तेरे से भी छोटी है, मेरे तो घुटने तक भी नहीं आएगी आई थिंक। मैं चेक करता हूँ गाइस यार, ये देखो भाई क्या लग रही है भाई, मेरे घुटने तक आ रही है ये वाली। गाइस देखो कितनी छोटी बाइक बन गई है ये KTM RC 390। ऊपर आपको पता है हायाबुसा, स्प्लेंडर, सुपर ड्यूक, कावासाकी एंड कौन सी है, अरे एक और कौन सी है, MT-15 है। हाँ MT-15 है गाइस, आपको पता ही है। तो भाई अब बारी है इस वाले बाइक को चलाने की। चलाएगा क्या रिमोट कंट्रोल से? अरे नहीं आप ही कनेक्ट करो और चलाओ। चलो गाइस यार मैं ही कनेक्ट करता हूँ अपने फोन से एंड इसको चला के देखता हूँ। सिंचन कनेक्ट हो गई। अरे लग तो रहा है। हाँ भाई लाइट तो जलने लगी। गाइस यार ये देखो मिनी KTM RC 390 भाई कैसे रोड पे चल रही है गाइस यार, बहुत ही बढ़िया तरीके से।
और भाई लुक देखो एक बार, ओ भाई साहब देख रहा है सिंचन, बाकी सारे बाइक्स के साथ ये वाली बाइक लगेगी तो कितनी ज्यादा बढ़िया लगेगी। थोड़ा इसको ऑफ रोडिंग करा, अबे ये तो पहाड़ों पे चढ़ने के लायक है भाई, इसका थोड़ा स्पीड टेस्ट करते हैं। ओ तेरी भाई इस पे चढ़ जाएगी क्या? अरे नहीं नहीं आराम से आराम से। अब चढ़ने का नाम क्यों नहीं ले रही है, चढ़ जानी चाहिए गाइस। ये KTM RC 390 है तो भाई चढ़नी तो बनती है गाइस, देख रहे हो कितनी बढ़िया तरीके से, मतलब यार क्वालिटी बहुत बढ़िया बनाया है बेनी ने भाई। वैसे बाइक तो बहुत ज़्यादा लाजवाब है, ये तो छपरी बाइक है, आपको पता ही है छपरी लोग एक बाइक KTM और एक RC बाइक हो गई और क्या, अरे एक DSLR हो गई कैमरा। हाँ भाई उसके अलावा क्या ही छपरी लोगों को चाहिए। वैसे हम लोग छपरी नहीं है, आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बाइक बना रहे हैं। ये वाली बाइक कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट में बताना। तो चल सिंचन इसको लगा देना। अरे कहाँ पे? अबे मिनी पार्किंग एरिया में सब बाइक्स के साथ, पता है तेरे को? ये कौन से नंबर पे होगी? अरे ये 46 गाइस गाइस गाइस, ये देखो बाइक्स की कलेक्शन इधर है ना, तो इसको इधर ही लगाते हैं। बाइक्स बाइक के साथ हो जाएगी और कार कार के साथ। तो यहाँ पे गाइस देख ही सकते हो एक और बाइक यहाँ पे आ चुकी है। चलो गाइस यार सिंचन भी ऊपर चला गया, मैं आप लोगों को गाइस दिखाता हूँ भयंकर वाला कार कलेक्शन। जी हाँ गाइस यार 46 वाली हो गई है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भी है गाइस यार, पूरे यूट्यूब पे भाई कहीं पे भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पे मिनी कार की इतनी सारी कलेक्शन आपको देखने को मिलेगी भाई। एक दो नहीं पूरे 45 व्हीकल्स की कलेक्शन। कार तो हमारे पास है ही भाई, इतनी तगड़ी 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 वाली कार है भाई, आपको मैं बता नहीं सकता। इतनी खतरनाक खतरनाक वाले ट्रक है, इतनी खतरनाक। पिछली बार वाला एपिसोड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये बुगाटी हम लोगों ने लेके आए थे, ये देखो कितनी खतरनाक वाली ये बुगाटी है। एंड उसके साथ यहाँ की बात की जाए तो अभी अभी KTM RCI, उसके बगल है MT15, उसके बगल में कावासाकी Z1000 है, सुपर ड्यूक है, KTM की स्प्लेंडर है और एक हायाबुसा है। ये तो भाई ये सब कार आपको पता है, ये सारी कार्स अगर आप पूरा का पूरा एक एक वीडियो हमारे देखते आ रहे होगे शुरू से लेके अभी तक, तो हम लोगों ने भाई करीब 50 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए। हमारे पास सब कुछ फिलहाल आ चुका है। अगर आप लोग और भी ऐसी ऐसी खतरनाक वीडियोस देखना चाहते हो तो बताना। ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, देख सकते हो। मिनी पेट्रोल पंप है जिसमें भाई भाई ये सारी कारें जाके भाई अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। तो वेल गाइस इतनी सारी कार्स की कलेक्शन आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताना। तो चल सिंचन और कुछ कहना है? अरे नेक्स्ट वीडियो में फरारी बुगाटी डुगाटी कौन सी? अबे नेक्स्ट वाले में गाइस आप बता देना सबसे लग्जरी वाली कार का नाम बताना, हम लोग उसी वाले टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे। आप लोग बहुत सारा बोल रहे हो ये बाइक वो कार, तो बाइक तो भाई हो गई KTM ड्यूक भाई, KTM ड्यूक से लेके KTM RC भी हो गई। अभी बहुत सारे बाइक्स का कलेक्शन करना है, यहाँ पे करीब 1 2 3 4 5 6 बाइक है ना, तो करीब 4 बाइक और हो जाएगी, तो 10 बाइक की कलेक्शन हो जाएगी। और SUV साइड को भाई अभी एक काम करेंगे सिंचन। अरे क्या? अबे SUV कार को अलग रखेंगे, कॉम्पैक्ट कार को अलग रखेंगे, एंड अपनी मिनी कार में जो भी बढ़िया बढ़िया कार है उसको अलग रखेंगे, मतलब सब बढ़िया बढ़िया से रखेंगे, मतलब जो भी है कार उसको अलग में अपने हिसाब से। अरे हाँ फ्रेंकी भी है, सब बढ़िया है भाई साहब। यहाँ पे देख ही सकते हो इतनी सारी कार्स की कलेक्शन है। तो गाइस यार आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे आपने हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में।